भाई रेट बता सकते हो क्या चल रहा है? हाँ दोनों का। वाह, अगर ये बकरे उनमें से कुछ रह जाते हैं तो आप क्या ईद आते आते इनका दाम बढ़ा देंगे घटा देंगे? दिख जाएगा जब माल पहले दिख जाएगा। अच्छा हाँ? फिर भी एक बात मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर ऐसा होता है कि कुछ बकरे रह जाते हैं आपके तो ईद आते आते उसका दाम बढ़ाएंगे घटाएंगे? इसका कितना है? इसका 1 लाख रुपया। और वो जो लाल वाला बटन है उसपे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और अभी का सिनेरियो जो है ना, अभी मैं जा रहा हूँ बकरा मार्केट। तो संगम विहार में कहाँ बकरा मार्केट है वो चीज़ मैं दिखाता हूँ, शूटिंग रेंज वाला जो है और अभी के प्राइसेस वगैरह क्या है वो सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। तो ज़्यादा डिले करते नहीं है, मुझे ऑफिस भी जाना है, वहाँ से होते हुए मैं जो ऑफिस भी जाऊँगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। और एक चीज़ यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि येलो डॉलर का साइन ना हर वीडियो पे आ रहा है, चाहे कोई सी वीडियो पोस्ट करो, नॉर्मल वीडियो पोस्ट करो उस पर भी जो है येलो डॉलर आ रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो रहा है और ये चीज़ देख के ना और भी ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है कि यार इतनी मेहनत करने कोई फ़ायदा नहीं है इस पर, ठीक है। तो लेकिन फिर भी क्या है कि कनेक्टेड हूँ मैं आप लोगों से, इसलिए मैं बंद भी नहीं कर सकता। तो चलो चलते हैं, मिलता हूँ भाई। तो भाई देख सकते हो मैं निकल चुका हूँ घर से और होते हुए जाऊँगा। एक ये देखो, ओए हाय हाय कर, इसमें हाय कर ऐसे। और कुछ बोलेगा नहीं? तेरी गाड़ी को ठोक दूँ? नहीं चल। तो भाई फटाफट चलते हैं और मैं दिखा दूँ तुम्हें आज मार्केट कहाँ पर लगा हुआ है, कहाँ पर नहीं लगा हुआ है। मतलब बकरा ईद का जोरों शोरों से जो है खरीद और बिक्री स्टार्ट हो चुका है, चलते हैं फटाफट। और दूसरी चीज़ यह है कि मतलब अभी तो फिलहाल इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, बकरे नहीं होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अभी नज़दीक आया नहीं है ना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिस तरीके से मतलब तुम लोग डिमांड कर रहे हो कि हाँ भाई बकरा ईद का जो है मतलब बकरे का बकरा मंडी का वो बनाओ, वीडियो बनाओ, बकरा मंडी का वीडियो बनाओ, तो मैं निकल तो चुका हूँ, लेकिन जैसा भी हो पाएगा मैं कोशिश करूँगा कि हाँ नेक्स्ट संडे काफ़ी अच्छे से, नेक्स्ट संडे या फिर जिस दिन मेरा ऑफ रहेगा ना तो उस दिन प्रॉपर तरीके से ढंग से जाऊंगा और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हाँ भाई क्या रेट है क्या नहीं है सारी चीज़ें। अभी भी चल रहा हूँ मैं, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है मैं रेट वगैरह मैं बता दूंगा तुम्हें पूछ के कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है अभी फ़िलहाल, और क्या डिफरेंस है ये चीज़ भी मालूम चल जाएगा हमें। ज़्यादा डिले करते नहीं है और भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरी चीज़ पता है क्या है यार, अभी ना इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है कि यार यूट्यूब वाले पॉलिसी बना रहे हैं या टट्टी बना रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सीरियसली बता रहा हूँ। मतलब कि जब तुम सारे वीडियोज़ को येलो डॉलर कर दोगे तो क्या घंटा कमाई होगी किसी की भी, ये चीज़ इनको समझ नहीं आ रही है। और जितने भी मेहनत करने वाले क्रिएटर्स हैं ना भाई, कसम से मतलब ये उम्मीद ही टूट रही है मेरी तो, यार क्या ही देगा वो। मतलब तुम ये कह रहे हो कि हाँ भाई अपना वीडियो पोस्ट करो, अपना ऐड जो चलाना होगा वो चलाएंगे, लेकिन उसके पैसे नहीं देंगे। येलो डॉलर का मतलब यही होता है आपका, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि आपके एड्स आएंगे नहीं तो फिर भाई कमाई होगी नहीं, और कमाई इनकम नहीं आएगी तो फिर कितना ही मेहनत कर लोगे, क्या ही मेहनत कर लोगे तुम। तो इसलिए जो है मतलब दिमाग ना ख़राब हो रहा है मेरा, या तो इनको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए अपनी पॉलिसी ना, चेंज करना चाहिए कि हाँ भाई अगर कंटेंट वाकई में सही है जेन्युइन है तो उस पर तो कम से कम येलो डॉलर ना देना। लेकिन वो सब पे पहले पड़े हैं सब पे, मतलब मेरी एक भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें उन्होंने येलो डॉलर दिया नहीं है, और रिव्यू में डाला हुआ है अभी तक, मतलब अभी तक रिव्यू हुआ नहीं है। 6 दिन से ऊपर हो गया यार, एक वीडियो को 10 दिन से ऊपर हो गया अभी तक रिव्यू नहीं हुआ मैनुअली। तो ये ऐसा अगर चलता रहा तो सीरियसली बता रहा हूँ कि मतलब कोई फ़ायदा नहीं है काम करने का इस पर। तो भाई पहुंच चुका हूं मैं जहां पे मतलब मार्केट लगती है, बकरा मार्केट इधर ही लगता है यहां पे शूटिंग रेंज पे, और मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं। तो चलो चलते हैं। और यहां पे जो आपका किला है ना, आपके किले के पीछे, ठीक है, तो ये पूरी मार्केट है। यहां देखो किले के पीछे है, जस्ट तुगलकाबाद किला है उसके पीछे है सारी मार्केट जो है पूरी आपकी, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा। तो तुम लोग की डिमांड थी कि मैं बकरा मंडी का बनाऊँ मैं, तो अभी चलते हैं, मैं देखता हूँ तगड़ा तगड़ा जहाँ भी है और पूछते हैं कि हाँ भाई कितने का दे रहा है कितना नहीं दे रहा। तो सारे देख सकते हो कि मतलब इतना मंडी अभी भी इससे ही भर गया है पूरा, देख रहे हो, मतलब ज़्यादा अंदर तक अभी है नहीं, वरना पूरा के पूरा ही भरा रहता है।
लेट्स सी अबाउट इट कि कितने का है कितना का नहीं है सारी चीज़ें। भाई रेट बता सकते हो क्या चल रहा है? हाँ दोनों का। वाह 72,000 भाई कितना ज़्यादा महंगा चल रहा है अभी। अभी आगे देखते हैं, आगे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हुआ पड़ा है, वहाँ पूछते हैं कि क्या चल रहा है रेट क्या नहीं चल रहा। अभी इन्होंने तो 72,000 बोला है। Let's see about it. भाई यही है, देख सकते हो कि मतलब कितना कितने सारे हैं। एक मिनट, क्या लगता है कब तक बिक जाएगा? बिक जाए, 2-3 दिन में हमारा, 2-3 दिन में बिक जाएगा। तो अगर ये बकरे इनसे कुछ रह जाते हैं तो आपके ईद आते आते अच्छा, फिर भी एक बात मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर ऐसा होता है कि कुछ बकरे रह जाते हैं आपके, तो ईद आते आते उसका दाम बढ़ाएंगे घटाएंगे? बढ़ जाएगा दाम, बढ़ जाएगा मतलब जैसे जैसे त्योहार नजदीक आएगा दाम बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा आगे मैं बता दूँ, 20 दिन करके सबसे महंगा कौन सा है आपके पास? महंगा ये बड़ा वाला है, देख सकते हो मैं आ चुका हूँ। और ये शानदार है यार, वाकई में शानदार है। भाई इनके रेट बता सकते हो कितने कितने हैं? रेट बता सकते हो इनके? इसका कितना है? इसका 1,00,000 रुपया। जोड़ी में बेच रहे हो या? देखो डिमांड ज़्यादा आ रहा है मेरे चैनल पे कि बताओ वहाँ पे रेट क्या चल रहा है, इस वजह से मैं आया हूँ। ठीक है, 1,00,000 रुपया से एक भी कम नहीं है। सारे के सारे बकर है वैसे बेसिकली बता दें तो, मतलब ये है कि हाँ अभी तो माल बहुत कम है। क्या लगता है संडे तक आ जाएंगे और भी ज़्यादा? मुंबई जाएगा सब? अच्छा चलो आते हैं दोबारा चक्कर लगाते हैं। तो भाई देख लिया तुमने, मतलब मैंने रेट पूछा, एक ने कहा 70,000 और एक ने कहा 1,00,000 रुपये। तो भाई अभी देखा तुमने किस तरीके से, मतलब जो है 1,00,000 रुपये, 70,000 रुपये, मतलब प्राइजेस देख रहे हो, मतलब बकरा ईद के टाइम इतना ज़्यादा हाई प्राइस हो जाता है ना बकरों का कि भाई उनको मालूम है कि लेना तो है ही नहीं। ठीक है, इसलिए जो है प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि हाँ भाई लेने वाले भी कहेंगे अरे नहीं चाहिए यार रहने दो। तो मतलब ये है कि ये चीज़ होता है कि मतलब ये पूरा साल जो है ना इसको बढ़ाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। कई कई ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब 2-2 साल बाद बेचते हैं ये लोग, जानबूझ के कि जितना बड़ा दिखेगा उतना ही ज़्यादा रेट जो है मिलेगा इस वजह से। तो मैंने तुम्हें दिखा दिया कि हाँ भाई देख लो क्या है क्या नहीं है, सारे बकरा मंडी मैंने तुम्हें दिखा दिया। और अभी जो है मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पर, अभी नहीं थोड़ा और टाइम नज़दीक आने दो, क्योंकि जितना ज़्यादा नज़दीक आते हैं ना मतलब बकरा ईद, अभी हो तो होते रह गया वो एकदम से, मेरी गलती है वैसे। तो चलो आज का वीडियो जो है यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ मैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें कौन सा बकरा पसंद आया। बाकी एक न्यूज़ रिपोर्टर भी NCR समाचार जो है यहाँ पे थे, वो बकरों के दाम ऐसे पूछ रहे जैसे कि मतलब भाई कुर्बानी के बाद कौन खरीदता है यार, पहले इसका जवाब दो मुझे। बकरा ईद के बाद कोई खरीदेगा बकरा? क्यों खरीदेगा कोई? कसाई के अलावा और कोई नहीं खरीदता, कसाई के अलावा कोई खरीदेगा ही नहीं बकरा, तो रेट क्यों बढ़ेंगे? और कम करके वो कसाई लोग तो और भी ज़्यादा कम करके खरीदते, पता नहीं वो क्या अनाप शनाप बगे जा रही थे। कुछ भी न्यूज़ यार देख लिया, कुछ भी न्यूज़ चलता है भाई, कुछ भी न्यूज़।
बाकी चलो चलता हूँ मैं अब यहाँ से और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर। बता दिया मैंने तुम्हें अभी काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं तो अभी ना लो तो बेहतर है। जैसे ही बकरा ईद नज़दीक आएगा ना उस वक्त जो है जल्दी जल्दी बेचने के चक्कर में ना लोग कम करेंगे रेट सारे कि टूटेंगे, रेट तो टूटेंगे हर बार होता है। हमने भी ख़रीदा है एंड टाइम पर ही कि कल बकरा ईद और आज हमने ख़रीदा है तो रेट जो है तोड़ के ही मिला है हमेशा। लेट्स सी अबाउट इट। तो अब चलो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।